नमस्कार, मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ की आज की क्लास होगी औसत से, जो कि यहाँ पर CG, TT और सूबेदार उप निरीक्षक यानी कि प्लाटून कमांडर के लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आया हूँ। साथ ही जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम की, उनके लिए आज से हमारे YouTube चैनल पर डेली क्लासेस कराया जाएगा। मैथ्स की क्वेश्चन है, औसत से प्रश्न है, जो कि कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। सब इंस्पेक्टर और TT और प्यून की भर्ती, जो कि 25 सितंबर को है और साथ ही 18 सितंबर को CGTT शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसके लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आया हूँ मैथ्स की क्लास। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा डेली क्लासेस करने के लिए। मैथ्स की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही आप सभी के गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो सूबेदार यानी कि उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की, जो उसकी परीक्षा की तिथि के बारे में बात करें तो फिजिकल टेस्ट हुआ है, जिनका जो परीक्षा में पास हुए हैं फिजिकल टेस्ट में, उनके लिए नवम्बर या फिर दिसंबर के बीच में उसका लिखित परीक्षा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला औसत से। तो औसत का पहला प्रश्न है, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी का परिणाम औसत क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए 24, 25, 48 और 15, तो इसमें का अचारों में का ऑप्शन एक आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है, तो क्या करेंगे 30 गुणा 20, ठीक है, नोट कीजिएगा। तो तीन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 600। इसके बाद क्या बोलेगा, 20 परिणामों का औसत कितना है 30, 20 परिणामों का औसत 30, यानी कि इनका कितना हो गया 600। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और 600 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200। इसके बाद पूछा गया परिणामों का औसत, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। औसत से प्रश्न बार बार व्यापम और PSC में आते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है, ये वाला हल हो गया। उसके बाद 20 परिणामों का औसत 30 है, ये भी हल हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दिए, मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ जाएगा 1200। अब क्या बोला गया, परिणामों का औसत, परिणाम कितना है हमारा 30 और ये 20, 30 और 20 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा। जो 50 है उसको 1200 से भाग कर देंगे, जब उनको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से इसको काटेंगे तो 24 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 24। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कौन सा दिखाई रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 24 इसका आएगा। तो सभी परिणामों का औसत कितना है 24, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर औसत से ही प्रश्न है, जो कि व्यापम और PSC में बार बार पूछे जाते हैं। जो लोग प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस भर्ती की यानी कि उप निरीक्षक, और साथ ही TT की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास है मैथ्स की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 50 औसत 30 है, 50 अंकों का जो औसत है 30 है, यदि इनमें से दो अंक 35 और 40 हटा दिए जाते हैं। अब इनमें दो अंक हटा दिया है, कौन कौन सा 35 और 40 हटा दिए जाते हैं, तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। तो यह एग्जाम में पूछा गया है बार बार, 50 अंकों का औसत कितना बोला गया है, 50 अंकों का औसत 30, यानी कि 50 गुना कितना करेंगे 30 करेंगे, ठीक है, 50 गुना 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यदि इनमें से दो अंक 35 और 40 हटा दिए जाते हैं, जब 35 और 40 को हटा देंगे कितना हो जाएगा 35 प्लस 40, इन दोनों को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो भी इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, एग्जाम में बार बार आता है औसत से प्रश्न। 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से दो अंक 35 और 40 हटा दिए जाते हैं तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, तो इन दोनों में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 1500 में 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1425, 1425 आ गया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, शेष अंकों का औसत निकालना है ना, शेष अंकों का औसत क्या बोला गया यहाँ पर, दो अंकों, देखिए यहाँ पर 50 अंकों का औसत कितना था 30 था, अब यदि इसमें से दो अंक 35 और 40 हटा दे, अब दो अंक बोला गया तो 50 अंक है, तो 50 में आप दो अंक हटा दोगे तो कितना जाएगा 48 तो ही बचेगा ना, जो 48 बचा है उसको किससे भाग करोगे, जो 48 बचा है उसको
इससे भाग करोगे जो आया शेषफल, ठीक है। तो चलिए इसको भाग करते हैं, कितना आ जाएगा 48, इसको काटेंगे तो 29.68% आएगा। कितना आएगा 29.68 इसका आंसर आएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तीन संख्याएं, ठीक है, जो तीन संख्याएं हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, तीन संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं, यानी कि 3 numbers are in ratio 4 into 5 into 6, ठीक, रिस्पेक्टली एंड दियर एवरेज, यानी कि उनके औसत का अंक कितना है 25। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना तो क्या करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 4, 5 और 6 के अनुपात में बोला है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4x, 5x और 6x, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन संख्याएं औसत निकालना है हमको, तीन संख्याएं, तो इसको निकालते हैं 4x + 5x + 6x, तीन संख्याएं, तो तीन संख्या का औसत निकालेंगे तो कितना है उनका औसत 25 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इनका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 25 + 75 है नहीं, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, 5x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4, 10 और 10 और 5, 15, यानी कि 15x = कितना हो जाएगा, एक मिनट ना, 15x = कितना हो जाएगा 75। अब इनको कैंसिल करें, 15 + 15 = 75, तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान 5 आया। तो क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। सो सबसे बड़ी संख्या किसनी है, 6 है, तो 6 मान रखते हैं, 6x * कितना हो जाएगा 6 × 5, यानी कि 6 × 5 = 30, तो ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आएगा इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये चौथा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये वाला प्रश्न, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ध्यान से समझिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, सबसे आसान तरीका, इसके लिए मैं फार्मूला भी बनाया हूँ, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, कभी भी अगर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दिखे तो क्या करेंगे, फार्मूला मैं आप सभी के लिए बनाया हूँ, a + a × b / कितना आ जाएगा 2, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। ये फार्मूला अगर कभी भी ऐसे ही प्रश्न पूछे तो ऐसे ही फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। देखिए 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 3 कितना है, तो यहाँ देखिए a = यहाँ पर 3, b = कितना है 5, ठीक है, मान रखेंगे इसमें, एक मान 3 + 3 × 5/2, यहाँ तक समझ में आया, किन को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 + 15 = 15, 15 + 3 कितना होता है 18, ठीक, 18/2, यहाँ तक क्लियर हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है, तो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है 9 है, ऑप्शन ए में, यहाँ तक क्लियर हुआ। राजेश को समझ में नहीं आया, तो देखिए एक बार फिर से, राजेश को समझ में नहीं आ रहा है ना, राजेश को समझ में नहीं आया है, एक बार उसके लिए सॉल्व कर देते हैं फिर से। देखिए 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, कभी भी अगर देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार भी पूछ लिया जाए, है ना, अब इसके देखिए 5 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, 5 गुणजों का औसत कितना है 7 है, ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दिया हूँ ना, 3 की जगह मैं 5 रखा हूँ और 5 की जगह 7 रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 5 के गुणजों का औसत 7 है, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, हाँ ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो इसके लिए मान रख लेते हैं, तो ए का मान कितना है यहाँ पर 5, बी का मान कितना है 7, फार्मूला क्या बताया था, a + a × b / 2, ये हमेशा इसके लिए फार्मूला रहेगा, तो मान रखते हैं, तो इसमें मान रखेंगे क्या आ जाएगा 5 + 5 × 7/2, 7 × 5 = 35 और 35 × 5 = 40, तो 40/2 करेंगे कितना जाएगा 2 से काटेंगे 20, उसी प्रकार इसको हल करेंगे, किसको, ये वाला के लिए। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, यहाँ के जगह मैं 8 कर देता हूँ, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है, हाँ तो इसके जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ए का मान यहाँ पर 8 है और बी का मान कितना है, हाँ बी का मान कितना है 10। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए
ए के पहले पाँच गुण, ए के पहले दस गुणजों का औसत कितना है, ए के पहले दस गुणजों का औसत कितना है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा, ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ ना, हाँ पाँचवा क्वेश्चन है, एक मिनट ना सॉल्व कर देता हूँ इसको, एक मिनट ना। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत कितना है, 45, 48 छात्रों का जो औसत है कितना है 45, किसी कक्षा के लड़कों का औसत 40 तथा लड़कियों का 50, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, रेशियो से इसको बनाएंगे सबसे, देखिए एक सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, लंबा चौड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कक्षा में 48 छात्रों का जो औसत है कितना है 45, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट में बन जाएगा, ऐसे एग्जाम में कभी भी आएगा तो रेशियो से ही निकालना है, यानी कि एलिजेशन, मिश्रण से बनाएंगे हम इसको। देखिए किसी कक्षा में क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में, एक मिनट ना इसको ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऐसे एग्जाम में बनाना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। देखिए किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत कितना है 45, ध्यान से समझिएगा कितना है 45, ध्यान से समझिएगा कितना है 45। उसके बाद बोला गया कक्षा के लड़कों का औसत 40 है, तो यहाँ पर लिखिए 40, ये एलिजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद 50, यहाँ पर लड़की की संख्या। अब पूछा क्या गया, 40 में अगर 45 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, उसी अगर 50 में 45 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, इन रेशियो को हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन सी, क्लियर हुआ, समझ में आया। कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखिए ये वाला दूसरा ट्रिक है, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, जब 48 का 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करें। इसके बाद देखिए अब 48 छात्रों का औसत कितना है 45 बोला गया है, लेकिन किसी कक्षा में बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कैसा आएगा, 24 का आधा कितना होता है, एक मिनट ना, 24 का आधा कितना होता है, सॉरी 48 का आधा 24, 24 गुना कितना करेंगे 40, उसी प्रकार 24 गुना 50, ये इसका जितना भी आंसर आएगा ना, ये यहाँ पर यहाँ लिखना और ये इनका आंसर और इनका आंसर जो भी आएगा, इसको दोनों को प्लस करोगे और इनसे कैंसिल कर दो, तब भी है 1:1 ही आएगा, तो ये वाला लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं जो बताया हूँ मिश्रण वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला 45, इधर क्या करोगे 40 और इधर 50, ठीक, इधर इधर निकालोगे, 40 में 45 घटाओगे 5, 50 में 45 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, ये और ये कैंसिल, 1:1, ये वाला ट्रिक सही है, इससे सॉल्व करना। एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये पीएससी में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है, सोमवार से गुरुवार तक इसको मैं ग्रुप में भी सेंड किया था, ठीक है, क्वेश्चन को ग्रुप में पूछा था, बहुत लोगों का आंसर आया था, तो देखिए इसको एक मिनट में सॉल्व करेंगे आसान तरीका से, बहुत लोग लॉन्ग विधि से इसको ग्रुप में सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो सोमवार से गुरुवार का औसत कितना है 48, सोमवार से गुरुवार का औसत कितना है यहाँ पर 48, उसके बाद पूछा गया है मंगल से शुक्रवार का औसत कितना है तापमान, मंगल से, ठीक है, मंगल से इसका 52। अब क्या पूछा गया है, यदि सोमवार को 42 तापमान रहता तो शुक्रवार कितना तापमान रहेगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोमवार के लिए हफ्ता में कितना, मतलब महीने में 4 होता है ना, हाँ बिल्कुल महीने में 4 होता है, 48 × 4 और इधर कितना है 52 × 4, यहाँ तक समझ में आया, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया ना, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 192, ठीक, उसी प्रकार इसको गुणा करेंगे 52 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 208, जो 208 आया है, ठीक है, जो 208 आया है यहाँ इसको भाग करेंगे किससे, 192 जो आया है, ठीक है, 192 जो आया है उसको -42 से घटाएंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 150, जो 150 आया है उसको यहाँ से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 208 में इसको 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा दोपहर 3 बजे मैथ्स की क्लासेस होगी, आज से ही स्टार्ट हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, मैथ्स की क्लास, ठीक है, डेली कराया जाएगा, प्लाटून कमांडर CG TT, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, पुलिस भर्ती और साथ ही प्यून भर्ती, इन सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुका है। जो लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, जो बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे उसी के पास सिर्फ आज से ही नोटिफिकेशन